जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, ये रातें सब चरागों वाली सारे हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक। ये देखिए हमको जो है ना गिफ्ट दिए हैं, और दोस्तों मेरे पास तो नहीं है, हम इसीलिए कूपन। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते प्रणाम, कैसे आप सब, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारी दुल्हन जो है अच्छी तरह से सज गई है, और आज जो है ना ये दुल्हन की तरह क्यों सजी है, सो आप लोगों को जो अभी हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। और तो आती जी आप खुद बोल दीजिए अपने मुंह से। तो दोस्तों 25 तारीख को मेरा शादी हुआ था हम दोनों का, 25 नवंबर, और आज जो है 25 नवंबर है, ठीक है, 25 नवंबर 2022 को हुआ था और आज 25 नवंबर 2024 है, तो दो साल हो चुके हैं और जा रहे हैं आपकी बार दूसरा एनिवर्सरी मनाने, तो आप लोग ढेर सारा प्यार चला दीजिए। वैसे तो दोस्तों हम लोग का प्लानिंग नहीं था मनाने का, लेकिन अभी तो फिलहाल आप लोग देख ही सकते हैं ना अभी हम लोग कहाँ है, पूरा परिवार को जो है छोड़ करके यहाँ पे आए हैं, वो भी हम लोग मुसीबत में ही आए हैं पूरा परिवार को छोड़ करके, लेकिन क्या करेंगे अब मजबूरी में आते हैं ना दोस्तों, लेकिन कोई समझते नहीं है। और बहुत आदमी ऐसे बोलेंगे कि अपने माँ बाप को छोड़ करके जो है ना अपने लोग ये लोग जो है मस्ती कर रहे हैं ना, एनिवर्सरी मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मेरी मम्मी बोली है कि कोई बात नहीं, उनको अभी मत लेके आओ, ठीक है, उनका शरीर सही नहीं है, अगले बार से जो है ना अगले बार अच्छा से करेंगे, घर पे ही मनाएंगे एनिवर्सरी। लेकिन आज जो है ना दोस्तों हम लोग बहुत मजबूरी में जो है यहाँ पे मना रहे हैं, क्योंकि आरती जी घर नहीं जा सकती है ना, और रास्ता सब भी खराब है, इनको जाने में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं। उसे छठ पूजा में ले गए थे दोस्तों ना, तो क्या बताएंगे, वहां पे भी गए तो ये इनका दो दिन तक तो तबियत खराब हो गई, फिर वहां से आए यहाँ पे भी फिर उनको तबियत खराब हो गई, मतलब जाने आने का जो है ना अभी तक तबियत खराब है, इसीलिए हम लोग नहीं गए। सो फाइनली अभी हम लोग जो है ना दोस्तों यहीं पे जो है थोड़ा बहुत सजावट किए हैं, और किसी दोस्त लोग को भी नहीं बोले हैं, इसलिए नहीं बोले हैं ना दोस्तों, क्योंकि अब की बार हम लोग जो है ना कोई बड़ा सा सजावट नहीं किए, थोड़ा बहुत बस, अभी सिर्फ एक केक काटने के लिए जो है ना, एक जो परंपरा चलते है ना कि मतलब ये दूसरा साल चल रहा है तो जो परंपरा है केक काटने का, वो हम लोग अभी करेंगे ना आरती जी। तो फिलहाल आरती जी अभी अपना थाली रेडी कर रही है, देखिए दिया सब जलाएंगे, और अभी हम लोग कैसे मनाएंगे तो आप लोगों को हम दिखाते हैं, सो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों फिलहाल आरती जी अभी दिया जला रही है, फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं, और सजावट कितना अच्छा से हुआ है, और आप लोग प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, वैसे तो अच्छा से नहीं किए हैं, आप लोग को भी हम बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग कोई भी कमी मत निकालिएगा, लेकिन हम लोग अच्छे से नहीं मना रहे हैं, थोड़ा बहुत केक काटने के लिए इतना ठो, वो भी भांजा आया है ना, किधर गया भांजा, ये रहा, तो सजा दिया, ठीक है न आरती जी, नहीं तो हम लोग ये भी नहीं सजाते, बस ऐसे सिर्फ सैंपल सा केक लाए थे काटने के लिए, अच्छा घसका देते हैं, ठीक है आप। चलिए फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं दिया जला दिया है आरती जी, और यहाँ पे थाली रख दिए हैं, और चलिए अभी हम लोग कैसे मनाएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, पहले तो आप लोगों को दिखाते हैं केक ओपन कर रही है आरती जी, वो दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, ये रातें सब चरागों वाली सारे दिन भी ईद थे, चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिकर, जैसे लफ्ज और बातें ऐसे नजदीक थे। देख सकते हैं केक तो निकाल लिए हैं दोस्तों, और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है केक में रख दिए हैं हैप्पी एनिवर्सरी, ठीक है, और अभी जो है ना मोमबत्ती सब लगाएंगे साइड साइड, उसके बाद जो है चलाएंगे, ठीक है, सो आप लोग यहाँ लिखा हुआ है, मनु एंड आरती, मनु एंड आरती, हाँ ये छोड़ देते हैं मोमबत्ती, तो देखिए क्या बोल रही हो,
ये मोमबत्ती छोड़ देते, सिर्फ यही जला लेते हैं। साइड साइड दे दो ना, कोई बात नहीं, साइड साइड दे दो। हाँ, खुश नसीब थे ये रातें सब चरागों वाली, सारे दिन भी ईद थे, चाहते थे चांद पर दूरी। देख सकते हैं मोमबत्ती हम लगा, मतलब इसमें गाड़ दिया, और अभी जो है माचिस जला के इनको पहले देंगे, और ये हमारे हस्बैंड भी जलाएंगे, हम नहीं जलाएंगे। चलिए आप जलाएं चाहे हम जलाएं, है ना। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, ये रातें सब चरागों वाली, सारे दिन भी ईद थे, चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, ये रातें सब चरागों वाली। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मोमबत्ती तो लगा दिया हम लोग, और अभी जो है हम जलाने वाले हैं कैंडल। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, ये रातें सब चरागों वाली, सारे दिन भी ईद थे, चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें, ऐसे नजदीक थे तेरी जुदाइयों में बरसे वो नए। जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, ये रातें सब चरागों वाली, सारे दिन भी ईद थे, चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें। तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, ये रातें सब चरागों वाली, सारे दिन भी ईद थे, चाहते थे चांद पर दूरियों की क्या फिक्र, जैसे लफ्ज और बातें, ऐसे नजदीक थे तेरी जुदाइयों में। क्या है नजदीक से दिखाइए दोस्तों, ये क्या है? मरियां से ठीक। ये देखिए हमको ये जो है ना गिफ्ट दिया है, और दोस्तों मेरे पास तो नहीं है, हम इसीलिए कुछ ने दिए इनको गिफ्ट, दिए इनको गिफ्ट। तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। तो ये अंगूठी जो है ना आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। हाँ चलो बंद करो।